आई थिंक फिकी फ्रेम्स जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक प्लेटफॉर्म है, क्योंकि हमारी जो इंडस्ट्री है वो एज एन इंडस्ट्री हम पिछले साल तक कहाँ तक पहुँचे हैं वो इवेल्यूएट करना, डिस्कस करना, डिबेट करना, और फिर ये देखना कि हम आगे के आने वाले सालों में कहाँ तक जाना चाहते हैं, क्या क्या कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, टेक्नोलॉजी, कॉन्टेंट, ये सब भी डिस्कस और डिबेट हमें करना रहना चाहिए एज एन इंडस्ट्री। इससे काफ़ी फ़ायदे होते हैं। एक फ़ायदा तो ये होता है कि हम आपस में डिबेट और डिस्कशन कर सकते हैं, हम और ग्लोबल हमारे जो पार्टनर्स जो बन सकते हैं या बनने वाले हैं उनके साथ हम डिस्कशन डिबेट कर सकते हैं। तो आई थिंक ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक प्लेटफॉर्म है, क्योंकि हम अपने ऑफिसेज में बैठकर अपनी दुनिया में कभी खो जाते हैं और ये नहीं देखते कि बाहर दुनिया में क्या हो रहा है। ऐसे हमें पूरा आइडिया मिल जाता है कि इंटरनेशनली और लोकली लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आई थिंक क्रिटिक्स के जो वर्ड्स हैं वो भी बैंकक्रप्ट हो रहे हैं। एक फिल्म मेकर अगर एक फिल्म दोबारा बनाता है वो बैंकक्रप्टसी ऑफ आइडियाज़ नहीं है, क्योंकि वो फ्रेम बाय फ्रेम कॉपी थोड़ी ना कर रहा है, वो उसे एक अलग रूप में पेश कर रहा है, एक अलग नज़रिए में दे रहा है। देवदास बनी थी, एक बहुत अच्छी फिल्म बनी थी, बहुत कामयाब हुई थी बॉक्स ऑफिस पर, उस टाइम पर 50 करोड़ प्लस का बिज़नेस किया था। और मैं उस टाइम कह रहा हूँ क्योंकि आज हर साल बिज़नेस बढ़ता जा रहा है। तो चार साल पहले जब देवदास रिलीज़ हुई थी अगर 50 करोड़ का बिज़नेस किया, आज के 75-80 करोड़ के हिसाब के बराबर होगा। डॉन बहुत बड़ी हिट हुई है पिछले साल। तो दो तीन क्रिटिक्स कह दें कि ये बैंकरप्ट है तो क्या फ़र्क पड़ता है, जब इतने करोड़ लोगों ने फिल्में देखी हैं और इंजॉय किए हैं वो फिल्में। ऑफकोर्स देखिए, हर एक फिल्म मेकर जब ये एक फिल्म को दोबारा बनाता है वो एक कुछ नयापन लेके आता है, कुछ नई बात लेके आता है, कुछ नए तौर तरीके लाता है, कुछ नई टेक्नोलॉजी लाता है, और उसे हमें इनकरेज करना चाहिए, ना तो कहना चाहिए कि बैंकरप्सी है। बिल्कुल बैंकरप्सी नहीं है। एक इंसान एक स्क्रिप्ट के बारे में सोचता है, बोलता है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि अगर एक बुक है वो एक कंप्लीट वर्क ऑफ आर्ट है। अब उसको मैं एक फिल्म में बनाना चाहता हूँ तो मैं वो वर्क ऑफ आर्ट को दोबारा बना रहा हूँ ना, एज अ वर्क ऑफ आर्ट तो वो रेडी है, कंप्लीट है एक किताब के फॉर्म में। अब मैं उसे सिनेमा में ट्रांसलेट कर रहा हूँ, माना कि वो और फॉर्म ऑफ सिनेमा है लेकिन वो सिनेमा, आई मीन वो एक आर्ट फॉर्म ही तो हुआ। तो अगर एक फिल्म को मैं दोबारा बनाना चाहता हूँ तो मैं कौन सा गुनाह कर रहा हूँ, और क्यों मैं जस्टिफिकेशन दूँ किसी को कि मुझे फिल्म दोबारा बनानी है। एक फिल्म मेकर को हक है, राइट है कि उसे जो बनाना है वो बना सके। बीच में मैं कौन होता हूँ, आप कौन होते हैं, कौन होता है बोलने वाले कि भाई ये रीमेक आपको नहीं बनाना चाहिए। भाई आप कौन हो बीच में बोलने वाले, मेरी फिल्म है, मुझे बनाना है, मैं बनाऊँगा।